बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं प्रदेश के कर्मचारियों की, जिन्हें दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल कर्मचारियों के डीए बढ़ाने की तैयारी में है मोहन सरकार। 46% से बढ़ाकर 64% तक ये हो सकता है। पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा, तो दिवाली के समय सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। बड़ी खबर है, कर्मचारियों के डीए बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और दिवाली के मौके पर प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को सरकार ये बड़ा तोहफा दे सकती है। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या इस तोहफे का इंतजार करना चाहिए तमाम कर्मचारियों को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 46% से बढ़ाकर 64% तक महंगाई भत्ता किया जाएगा और ये बड़ा तोहफा होगा सरकार इसकी घोषणा अगर करती है तो। सरकार कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है दिवाली पर मुख्यमंत्री मोहन यादव इसकी घोषणा कर सकते हैं। खासतौर से कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की तैयारी है, इसको लेकर वित्त विभाग को निर्देश भी जारी किए गए हैं और करीब 7 लाख कर्मचारियों का इसका फायदा होगा जया, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही दिवाली है और ऐसे में सरकार एक बड़ा तोहफा कर्मचारियों को देने वाली है। 3% की दर से यदि वार्षिक जो वेतन वृद्धि बढ़ेगी तो उसमें करीब 18% यानी 46% से लेकर करीब 64% जो है वो ये महंगाई भत्ता है वो हो सकता है। तो 18% वृद्धि की तैयारी सरकार कर रही है। इसमें खासतौर से संविदा कर्मचारी और चाहे पेंशनर्स हों उनको भी फायदा होगा। तो कुल मिलाकर सरकार की बड़ी तैयारी है कि मध्य प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर महंगाई भत्ता के तहत एक बड़ा तोहफा सरकार देने वाली है। शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर